तो मेरी पिछली हैक्स वाली वीडियो के बाद अब मैंने 5 मिनट क्राफ्ट्स, ट्रूम ट्रूम और 1, 2, 3 को सभी पे वीडियो बना ली थी, तो अभी तो कुछ नहीं बचा था। तो एक बार फिर से हर बार की तरह मैंने मंगल ग्रह की ओर प्रस्थान कर दिया। मंगल के सन्नाटे में मैं अपना फेवरेट सॉन्ग एंजॉय कर ही रहा था कि तभी अचानक जादू मेरे सामने प्रकट हो गया। जादू, ये मंगल क्या तेरे बाप का है? बाप पे जाना लाल। कभी भी आता जाता रहता है। 5 मिनट क्राफ्ट्स ट्रूम ट्रूम नहीं तो क्या हुआ? क्राफ्टी पांडा वुहू पे वीडियो बना। जादू। जादू का ये आइडिया तो ब्रिलियंट था। अब तो मुझको धरती वापस जाना पड़ेगा, मुझको वीडियो बनाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्नीक फूड इन अ जिम, और यहाँ पर एक लड़की चिप्स खाते हुए जिम में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिम ट्रेनर ने उसको रोक दिया कि देखिए नो फूड और ड्रिंक अलाउड इन द जिम। और उसी वक्त एक ब्लू जैकेट वाली लड़की जो है वो आती है और देखती है कि सामने वाली लड़की के काफी सारे टैटूज बने हुए थे और उस लड़की के चिप्स जो है जिम ट्रेनर ने जो है वो कन्फिस्केट कर लिया है। लेकिन अब ब्लू जैकेट वाली लड़की को भी तो भाई खाना स्नीक इन करना है जिम में, तो उसके पास एक आइडिया आता है। वो वापस चली जाती है और मेल्टेड डार्क चॉकलेट उसने ली यहाँ पे, जिससे अब वो अपने हाथ पे पेंटिंग कर रही है। ये मेल्टेड डार्क चॉकलेट से इसने अपने हाथ पे गंदी गंदी सी ये शेप्स बना ली है बहुत सारी, और ऑब्वियसली अब उसके पास कोई खाना थोड़ी ना है, लेकिन उसके अच्छा ये टैटूज है। ओ, उस लड़की के टैटूज देख के इसको आइडिया आया कि मैं मेल्टेड चॉकलेट के टैटूज बना लूं। और अब क्योंकि उसके पास कोई खाना थोड़ी ना है, उसने तो चॉकलेट को मेल्ट करके अपने हाथ पे टैटू बना रखे, लेकिन अब ये क्या इसको खाने वाली है? नो। यहाँ देख लिया ये मैंने, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। और मैं सोचता था 5 मिनट क्राफ्ट के लाइफ हैक सबसे भाई याद है। नहीं, पहले तो ये बताओ कि तुम जिम जा ही क्यों रहे हो? इट्स हर चॉइस। अगर तुम्हें खाने की इतनी ज्यादा चुल मची हुई है कि वो 1 घंटे के जिम में भी तुम्हें जिम के अंदर खाना लेके जाना है, तो जिम कर ही क्यों रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा। ना ही जाओ भाई, खाना भी ऐसे छुपा छुपू के जेबों में डाल के नहीं लेके जाएंगे, मेल्ट कर लेंगे चॉकलेट को, उसके टैटू बना लेंगे अपने ऊपर और फिर उसको अंदर जाके। देखा अपने लापरवाही का नतीजा, ये हैक्स बनाने वाले बेवकूफ होते हैं ये हमें पता था, लेकिन भाई ये ऐसे हैक्स तो ये मेरे जैसे बंदे के लिए है ही नहीं। मैं जिम में जाके 2 जंप मार ले तो मेरे तो पसीने पसीने हो जाते हैं, तो चॉकलेट वाला टैटू विद पसीने, नो गॉड प्लीज नो, मैं नहीं कर रहा ये। डार्क मेल्टेड चॉकलेट क्या टैटू बनाना? काजू कतली। अबे साले, अरे ये क्या कर रहा है? टैटू बना रहा हूं। हाय हाय, अबे पागल हो गया था क्या? मस्त एकदम टैटू है। अब आपको पता है इसका फायदा क्या है? अब मैं कहीं भी जाऊंगा ना, जिम, थिएटर, कहीं भी वहां पे जाऊंगा और फिर तेरी गंदी औलाद मजा ना सवार है क्या ये? इट वर्क्स। ये तो वो डॉगी वाला हो गया। गजब बेइज्जती। First time Nicole has ever made spaghetti on her own. It's a huge achievement, but it takes some skills to carefully wrap it around a fork. Come on! What's wrong? Oh, I know! Now I can definitely do it! I put a fork in a drill, and voila! Now the kitchen and Nicole are all covered in spaghetti! At least her invention works! The pasta is wrapped perfectly around her hand! ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। कितने स्टूपिड है ये लोग, देखो कितने स्टूपिड लोग हैं। ड्रिलिंग मशीन पे फोर्क लगा कर रहे, इनको देख के ही सल्लू भाई का वो वाला डायलॉग बना है, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। देखो यूजुअली मैं जितने भी ये हैक्स तुम्हें दिखाता हूँ वो मैं सारे खुद ट्राई करता हूँ, लेकिन ये हैक नहीं, नहीं मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि ये वाला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुम भी यहाँ पे देखो, हमारी मैगी ले आई है, तो मेरे पास तो मैं खाने को लाई हूं। हाँ मम्मी, एक्चुअली क्या होता है, मैगी जो है वो चम्मच से उठती नहीं है क्योंकि हम गधे हैं, तो फोक से उठाना मैगी जो है ना ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक नया हैक है जिसमें आप ड्रिल पे ऐसा फोक लगा के उससे मैगी उठाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ड्रिल पे टेप कर दिया है फोक, देख सकते हैं, और मुझे थोड़ा लगा के गंध मच सकता है, तो एपरन था नहीं तो मैंने चादर चढ़ा लिया ऊपर। तो अब आप इधर पीछे आ जाओ, जब मैं बोलूं मम्मी तब इस ड्रिल को ऑन कर देना, थोड़ा सा स्केयर है, मेरे को डर लग रहा है, ठीक है? करो ऑन करो। लग गए कैमरामैन दिव्यांश जो है हमारे फैक्ट्स।
और कैमरामैन दिव्यांश हमारे मैगी में, और यहाँ पे मैगी, और दीवार पे मैगी, और मेरे ऊपर भी गिरी, और इधर वो दीवारें, मैं बच गया, मेरे पे एक भी नहीं गिरा। और लेकिन लेकिन फोक पे मैगी तो चिपकी नहीं, और हैक तो यही था कि फोर्क में मैगी आ जाएगी इससे। अच्छा बोले ऐसा होता है। अब तू ही सफाई करेगा इतना जो गंद डाल रहा है। इट वर्क्स। ए इधर देख, इधर ये। अबे तुम पर ड्रिल तो बंद कर देते। भैया ये तो काफी स्केरी चीज थी भाई। मैं नहीं कर रहा ये, मैं जॉब छोड़ रहा, मुझे छुट्टी दे दो। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। Wow! I have to take a picture of that flower. Ah, the photos will be amazing. Oh man, I stained my favorite jeans. What should I do? I have an idea. Real men don't give up so easily. Done! Now my jeans are as good as new. Adbook! Adbook! हम हैं बेवकूफ लोग, हमने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के बारे में कभी सुना ही नहीं है। वॉशिंग मशीन वो क्या होता है, उसका आविष्कार तो आज से 100,000 करोड़ साल बाद होने वाला है। अरे भाई तुझे अगर अपनी जीन गंदी होने की इतनी टेंशन थी तो तू घुटने के बल घास में बैठा ही क्यों, और उसके बाद वो गंदी हो गई तो ये नहीं कि घर जाके मैं उसको साफ कर लूं। नहीं, बिकॉज हमने सुना ही नहीं है ना कपड़े धोने के बारे में, हम जीन ही काट डालेंगे और फिर कह रहे हैं एज गुड एज न्यू। नाउ माय जीन्स आर एज गुड एज न्यू। एज गुड एज न्यू। मैं बस इन हैक्स बनाने वालों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? It's time to apply body lotion. My poor hands. I know what to do. Just apply the lotion with a roller. Even get to my back. Girls, this life hack works. पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं ये हैक्स बनाने वाले, पता नहीं कुछ भी करते हैं। कुछ भी, भगवान ने हाथ दिए है, हाथों का इस्तेमाल कर लो। हम जैसे नॉर्मल लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चराइजर लगाने के लिए, ये भाई दीवारें पेंट करने वाला रोलर से। एटलीस्ट ना आइंस्टाइन जितना आईक्यू चाहिए कुछ ऐसा सोच पाने के लिए भी, और इसीलिए आज इन हैक्स वालों को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। हैक्स वालों, तुम पुरुष नहीं गधे हो, बहुत बड़े वाले गधे। तो यहाँ पर दो लोग बैठ के चिकन खा रहे हैं, और ये लड़के ने हाथ से चिकन खाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की जो है वो अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहती, तो अब वो सोच रही है वो कैसे खाए बिना हाथ गंदे किए चिकन। और तभी उसने अपने बालों पे हाथ लगाया और बालों का हेयर क्लिप उसने निकाल लिया यहाँ पे, और अपने बालों के दोनों हेयर क्लिप यूज करके अब वो चिकन खा रही है। गजब है, यहाँ पे हमारे खाने में एक बाल दिख जाता है ना तो हम कहते हैं आय हाय मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, ऐसा डिस्गस्टेड सा फील होता है, खाना नहीं खाते हम वो। और ये लड़की अपने बालों के क्लिप्स निकाल के उससे चिकन खा रही है। ओह शो शो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और खुश देखो कितना हो रही है, ओ वेरी टेस्टी। टेस्टी तो लगेगा ही ना, साथ में तुम्हारे बालों में जो डैंड्रफ था उसका भी तो टेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा थोड़ी ना कि तुम हैक्स के नाम पे कुछ भी दिखाते रहोगे और हम यहाँ पे ताली बजाते रहेंगे। बहुत अच्छा एक था, बहुत मजा आया। अबे भगवान ने हाथ नामक एक बॉडी पार्ट दिया, एक्चुअली एक भी नहीं दो दो दिया है उसको, और थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल कर लो अगर है तुम में थोड़ा सा। हाथ तो एक बारी को तुम फिर भी धो लोगे, पर बालों में लगाने वाले क्लिप से तुम खाना खा रहे हो। साले कुत्तों की जिंदगी। Do your ears stick out? Don't worry. Use this classic life hack. Just use double-sided tape to stick your ears to your head. And you can wear your hair however you like. पता जब मैंने 5 मिनट क्राफ्ट्स पे वीडियो बनाई थी ना तो मैंने बोला था इनके हैक्स बहुत भाई याद है। उसके बाद मैंने ट्रूम ट्रूम पे बनाई तो मैंने बोला उनके हैक्स उससे भी ज्यादा भाई याद है। उसके बाद मैंने 1-2-3 को पे बनाई तो मैंने बोला उससे भी ज्यादा भाई याद हैक्स है। लेकिन अब मैं वूहू और क्राफ्टी पांडा पे वीडियो बना रहा हूँ ना तो भाई ये तो आसमान की उन ऊंचाइयों में बैठे हैं जहाँ कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है।
स्नीक फूड इनटू जिम, स्नीक फूड इनटू क्लब, स्नीक फूड इनटू स्कूल। अबे जेब में डाल के ले जाओ, स्नीक करना ही है तो। बट नहीं भाई, हम तो टैटू बनाएंगे चॉकलेट वाले। एनीवेज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि मैंने अभी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।